सपा के मंडलीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बरेली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, उनकी सरकार से चालू हुए कामों को रोक दिया गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नाम बदलने और रंग बदलने का काम ही विकास समझती है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि कृषि कानून किसानों को खत्म करने के लिए लाया गया है, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। इनका केवल एक विकास है, नाम बदल दो या रंग बदल दो, और इनका सीखते सीखते और प्रदेश भी सीख रहे हैं कि नाम बदल दो। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार और रंग बदलने वाली सरकार आने वाले समय में उत्तर प्रदेश